समीर मुंडे टेक यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मैंने एक लैपटॉप लिया था 2019 में, जो हार्ड डिस्क पर काम करता था, जो जिसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसमें मैं SSD इंस्टॉल कर लूँ, क्योंकि लैपटॉप जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, 3 साल करीब करीब हो गया है, और जिसमें हार्ड डिस्क होने के कारण जो उसका बूट टाइम है, जो सॉफ्टवेयर जो लोड होने की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेरा लैपटॉप है लेनेवो का, जो IDPad 330 मॉडल था है, और इसको जो हम अभी हम इसमें जो इसका CD ड्राइव जो लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैं इसको अभी CD ड्राइव के जगह SSD लगाने वाला हूँ। तो आप लोग को पहले दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ये SSD लिया हुआ है 256 GB के, जो कि मुझे 2200 कुछ रुपये पड़ा, और उसके साथ मेरे जो आया है अमेजन की तरफ से ही, ये हो जाएगा मेरा KD जी, जो CD ड्राइव का जगह ले लेगा। इसको मैं आपको खोल के भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हमें मिलता है इस टाइप से, जैसे ये यहाँ पर जो ये वाला जो लगेगा, इसको मैं खोल के आपको एक बार दिखाने कोशिश कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक एंट स्पोर्ट का है, ये कंपनी का है जो SSD है, और ये आप लोग देख सकते हैं इसका मॉडल। इसका जो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 256 GB का 6 GB per GBPS लिखा हुआ इसमें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें इसको जो SSD को कैसे इंस्टॉल करते हैं KD की मदद से, उसको मैं आपको इसमें इंसर्ट करके आपको बताएंगे, और इसके बाद हम इसको लैपटॉप में भी इंसर्ट करके आपको दिखाएंगे, और अभी हम कंप्यूटर का बूट टाइम आपको एक बार दिखा देते हैं। अब मैं कंप्यूटर का पावर बटन दबा रहा हूँ, देखते हैं कितना लेट में ये ऑन होता है। जैसे कि आपने देखा, करीब करीब 20 सेकेंड का टाइम लिया ये कंप्यूटर ऑन होने में। अब इसमें हम SSD को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे, विंडोज़ डाल करके दिखाएंगे कि कितना टाइम लगता है। तो जल्दी से हम लैपटॉप को ऑफ करके इसका SSD जो DVD स्लॉट में उसको लगा करके हम इसमें बूट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी मेरे पास है KD और इसी में मेरा जो ये SSD सेट होगा। तो चलिए हम इसको सेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पर मिलाने के लिए बनाया गया है। जैसे ये इस टाइप से नहीं लगेगा, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा इस टाइप से ये इंसेट हो जाएगा, ये सक्सेसफुली तरीके से मेरा इंसेट हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको पुश कर देना होगा। मुझे लगता है ये यहाँ लग चुका है, और हमें यहाँ से 4 स्क्रूस दिखने को मिल जाएंगे, जिसे हमें इसको टाइट करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो दिया हुआ है स्क्रू होल, आप लोग देख पा रहे हैं उसके अंदर एक स्क्रू दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो कि मेरा KD है, इसमें मेरा जो SSD लग चुका है। अब अभी ये जो मेरा लैपटॉप में लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब लैपटॉप का जो CD ड्राइव है उसको खोल के उसमें लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो मेरा DVD ड्राइव है, अब इसको मैं खोलने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर उसका जो दिया हुआ है, यहाँ खोलने के लिए जो नट दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हम लोग को
ओपन करना होगा। मैं इसको ओपन करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मेरा ये ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये नट है। अब मैं इसको हल्का सा मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ पीछे की तरफ। ये जो है ये अलग हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जो ये डीवीडी राइटर है, चाहे इसको डीवीडी रीडर भी बोला जा सकता है, तो इसको मैं अभी हटाने वाला हूँ और इसके जगह पर ये जो हमारा ये एसएसडी है इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो जल्दी से हम इसको इंसर्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वाला पार्ट जो हमें खोलना पड़ेगा, ये वाला उसमें एसएसडी कसने के लिए, तो हमें ये खोल लेना होगा। पहले यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ और ये हो गया, जिसे ये इस टाइप से था। तो हमें यहाँ पर इस टाइप से लगाने पड़ेगी। मैं एक बार मिलाने का कोशिश करता हूँ। ये इस टाइप से था। इस टाइप से था, जिसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप से था। तो मैं भी इसको, ये जो कोना मिल रहा है आप लोग देख सक रहे हैं नीचे, तो मैं भी इस, ये जो लगेगा यही इस टाइप से लगेगा। तो हम इसको इसी टाइप में लगाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर छोटा सा बोल्ट है, मैं इसको कसने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये वाला जो पार्ट है ये इसमें था, तो मैंने जैसा था वैसे ही मैंने एसएसडी वाला केडी में मैंने लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें ये वाला पार्ट भी हमें खोलना पड़ेगा। मैं इसको खोलने का कोशिश करता हूँ। ये जो है आसानी से खुल चुका है, और जो लैपटॉप डीवीडी में था उसको मैं लगाने का कोशिश करता हूँ। तो हमें ये वाला जो लैपटॉप का था ये हमें खोलने पड़ेंगे, तो मैं इसे खोलने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा जो लैपटॉप के साथ जो डीवीडी के साथ आया था उसके मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से मैंने इसको खोल लिया है। अब जो इसका जो क्लीन लुक देने के लिए एसएसडी वाला पार्ट हमें इसको लगा देना पड़ेगा इस टाइप से। यहाँ पर हमारा इसको एक बार मैच करना पड़ेगा, फिर ये सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो मेरा काम है एसएसडी का, जो ये केडी में लगाने का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो पहले जो डीवीडी ड्राइव का ये जो पार्ट था इसको मैंने एसएसडी केडी वाला इसमें लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आगे तरफ का जो इसमें नट लगता है जो, इसको भी मैंने इसमें फिट कर दिया है। अब बारी आती है ये मैं लैपटॉप में लगाने का कोशिश करता हूँ। जिस टाइप से अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जो लैपटॉप का डीवीडी ड्राइव वाला स्लॉट है, तो मैं ये वाला एसएसडी वाला मैं इसमें इंसर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइप से ये सेट होगा। तो दोस्तों ये जो केडी जो है इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से ये लग जाएगा। ये जो पूरा क्लीन लुक दे दिया अभी यहाँ पर, तो हमें वो पहले वाला जो बोल्ट है उसे हमें कसना होगा। तो मैं उसको कस के भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है इसमें जो हमारा डीवीडी का जो नट कसने का जगह है, मैं वो डीवीडी वाला नट को मैं फिर से यहाँ कस देता हूँ।
अब इसमें हमें विंडोज इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, तो अभी मैं विंडोज इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ और इसका जो स्पीड है, स्पीड कितना स्पीड में ये ऑन होता है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली जो लैपटॉप में SSD लग चुका है और मैंने इसमें विंडोज इंस्टॉलेशन भी कर लिया है, तो अभी इसका बूट टाइम हम लोग चेक करेंगे। तो जल्दी से इसका ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना जल्दी ऑन हो रहा है। और आपने पहले देखा ही होगा कि ये बहुत लेट से खुलता था। मैंने बटन दबा दिए, कितना जल्दी ऑन हो रहा है आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब 10 से 12 सेकंड में ये लैपटॉप रेडी हो चुका है, जबकि मैंने इसमें सॉफ्टवेयर जो भी था जैसे कि MS वर्ड और जो फोटोशॉप वगैरह मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिए, तो भी से ये फास्ट काम कर रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा लैपटॉप स्पीड काम करे चाहे मेरा कंप्यूटर स्पीड काम करे, तो आप हार्ड डिस्क के बदले आप SSD लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग को। फिर से मैं समीर मुंडे की तरफ से झारखंडी जोहार।